केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या जन्मदिवसानिमित्त शहरातील महाल स्थित गडकरी वाडा येथे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांच्या वाढदिवसानिमित्त शनिवारी शहरातील महास्थित गडकरी वाडा या त्यांच्या निवासस्थानी भाजपा कार्यकर्त्यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी सकाळपासूनच गर्दी केली होती। शहरातील अनेक राजकीय नेते, पक्षाचे पदाधिकारी, पक्ष कार्यकर्ते यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते। यावेळी नितिन गडकरी यांनी केक कापून आपला वाढदिवस कार्यकर्त्यांसोबत साजरा केला। केंद्र सरकारच्या यशस्वी 2 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल व गडकरी यांच्या वाढदिवसानिमित्त पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये चांगलेच उत्सवाचे वातावरण दिसत होते। केंद्रीय परिवहन मंत्रिपदाचा पदभार सांभाळल्यापासून आतापर्यंतच्या सरकारच्या कारकिर्दीबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की जनतेने दिलेला प्रेम व विश्वासामुळे बीजेपी सरकार ही यशस्वी वाटचाल चालू आहे। भविष्यात अशाच प्रकारे जनतेसाठी काम करीत राहण्याचा आपला मानस आहे। देखो, देश की, समाज की और विशेष रूप से गरीब व्यक्ति की, जो विकलांग है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो दुखी दलित लोगों की सेवा ज्यादा से ज्यादा मेरे हाथ से हो, यही मेरा सबसे लिए मुझे भगवान शक्ति दे और ये मैं काम करूंगा। यही मेरी जन्मदिन आपका, सरकार मंत्री बने हुए भी 2 साल हो गए, सरकार के भी 2 साल हो गए। अब लग रहा है कि जो आपने काम किया, जो संकल्प लेके 2 साल पहले जो मैंने आपको लाइन किया था, उसने कहा था कि मैं समाज के लिए करना है, तो मंत्री बनने के बाद वो लक्ष्य पूरा हो गया? कोई लक्ष्य पूरा नहीं, लक्ष्य जितना पूरा होता है उससे आगे हमें चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए और हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम सब समस्याओं को सुलझा भी सकें और सबकी अपेक्षाएं पूरी कर सकें। अपेक्षा पूरी करने के बाद नई अपेक्षाएं रहना होती है, समस्या सुलझाने के बाद नई समस्या आती है और कितने लोगों की सेवा किए तो वे और लोग गरीब शोषित पड़े रहते हैं कि हमारी ताकत कम है। भगवान इतनी ताकत है कि हमारे ताकत में पूरी शक्ति के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके। केंद्रात ने एक नंबर 1 मंत्री म्हणून बस हो गया। अपने कार्य और सरकार के कार्य से आप संतुष्ट हैं? 2 साल आप लोगों ने पूरा किया, सरकार के कार्यकाल और अपने कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? देखिए, हमने कितना अच्छा काम किया इस पर हमने संतुष्ट होना नहीं होना, इसके समाज और देश और मीडिया उनको अधिकार है, हमारे कार्यक्रम को मूल्यांकन करें, जो कमी उसको हम पूरी करके और आगे जाए और काम करें। जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरून यापुढेही असेच काम करत राहण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले। कॅमेरामन मिथुन आदमनीसह प्रणिता शिरपूरकरची रिपोर्ट, सिटी विदर्भ न्यूज साठी।